डोर पैनल कंप्लीट हो चुका है, साइड की फुटरेस्ट S11 लग चुकी है यहाँ पे, और आपको फ्रंट में मैं लेके चलूंगा तो साइड ग्लाइडिंग जितने पार्ट है सब। उससे अगर कोई देखे ना तो देख के बता नहीं सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल थी, और रोड पे क्या बोलते हैं ब्लैक चीता बोलेंगे बिल्कुल भाई। तो इसके अंदर स्टॉक अलॉय व्हील्स हमने बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हम आए जे ऑटो रामा रोड पर, तो हमारे साथ है हमारे चमुंडा भाई। चमुंडा भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप लोग कैसे हो? सब भाई, सारे भाई लोग बढ़िया ही होंगे, तब वीडियो देख रहे हैं हमारे। तो आज आपको दिखाने वाले हम क्लासिक की मॉडिफिकेशन एस मॉडल, हमारे पास गाड़ी आई है जिसको हम कन्वर्ट करने वाले टॉप मॉडल में, और ये एक बजट पैकेज वाली गाड़ी रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारा काम है जो एस में हम कन्वर्जन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। जैसे एक गाड़ी वहाँ तैयार हो रही है, उसका शूट चल रहा है, सोनू भाई वगैरह शूट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एन खड़ी हुई है, यहाँ पे आप लोग एन देख सकते हो, तो आपको दिखाते हैं हम आगे चल के हमारी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी क्लासिक एस खड़ी हुई है, ये जो है हमारा बिल्कुल बेस मॉडल है। यहाँ से मैं आपको एक बार बैजिंग भी दिखा दूँ, कल को आप बोलोगे सेल नंबर की गाड़ी कल आया था उसमें भी काम चल रहा था। हाँ, वो गाड़ी अंदर खड़ी है, उसका काम हो चुका है, फाइनल हो चुका है, उसकी वीडियो अलग मिलेगी आपको, ये अलग है। हाँ, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक बार गाड़ी के अंदर काम चल रहा है। डोर पैनल वगैरह सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे, और काम अभी चल ही रहा है लगभग गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको सारी चीजें एक बार डिटेल में दिखाऊं, तो इधर ये देख सकते हो आगे वाला डोर पैनल इंस्टॉल हो चुका है, रूफ रेल इंस्टॉल हो चुकी है हमारी। तो ये देख सकते हो भाई गाड़ी हमारी काम चल ही रहा है यहाँ पे। चमुंडा भाई ने पूरा उजाला निकाल दिया, पूरा दिन निकाल दिया। अलॉय व्हील इंस्टॉल हो चुका है, स्पॉइलर इंस्टॉल होने वाला है इसके अंदर। इंटीरियर से आप लोग देखो तो रूफ रेल लग चुका है, अंदर से काम चल रहा है। अंदर दिखाते कौन काम कर रहा है। अरे हमारा कालू भाई, कालू भाई हेलो, कालू भाई क्या हाल है? राम राम जी सिस्टम। तो गाड़ी यहाँ तैयार हो रही है, देख लो पूरी गाड़ी अंदर से काम चल ही रहा है। कालू भाई लगे पड़े बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो कालू भाई के लिए एक लाइक बनता है, तो ठोक दो लाइक यहाँ पे दबा के कालू भाई के प्यार में। सर कालू भाई के प्यार में लाइक आएंगे बहुत सारे, लाइक आएगा ऐसे वाले या ऐसे वाले। उल्टे लाइक मत दे देना। कालू भाई दिल से काम कर रहे थे, कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कालू भाई को पसीने छूट गए इतनी मेहनत से कालू भाई हमारे काम कर रहे हैं। डोर पैनल कंप्लीट हो चुका है, साइड की फुटरेस्ट S11 लग चुकी है यहाँ पे, और आपको फ्रंट में मैं लेके चलूंगा तो साइड ग्लाइडिंग जितने पार्ट है सब हमारे पेंट पे गए हैं। आगे से पूरी गाड़ी खुली हुई है, ऑरेंज फिट हो चुके हैं इसके अंदर क्रेटा वाले, बाकी और सारा काम आपको हम दिखा देंगे। देखो डोर पैनल की ढेर लगी हुई है यहाँ पे, तो ये क्या करते हो भाई, सर्दियों में जलाने के लिए रखे हुए? अच्छा, ये सारा कबाड़ में जाता है, क्या बात है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई गाड़ी हमारी रेडी हो रही है, बाकी आपको लेके चलेंगे गाड़ी जब हमारी फाइनल हो जाएगी। तो वहाँ पर नए नए अलॉय रेडी रहते हैं। अच्छा ये रिम है, अच्छा इसके डब्बे में ये आ गया, देखो ब्रांड न्यू अलॉय डाले हमने, पुराने नहीं डाले। ठीक है भाई, तो आपको दिखाएंगे गाड़ी फाइनल हो जाएगी जब कल, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तो भाई गाड़ी जो है हमारी फाइनल हो चुकी है, ये जो गाड़ी थी कल आई थी हमारे पास, ये आज फाइनल हो चुकी है। अब चामुंडा भाई आ गए, गाड़ी फुल एंड फाइनल हो गए यहाँ पे हमारे सामने है। मतलब भाई दूर से अगर कोई देखे ना तो देख के बता नहीं सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल थी, और रोड पे क्या बोलते हैं ब्लैक चीता बोलेंगे बिल्कुल भाई। तो इसके अंदर स्टॉक अलॉय व्हील्स हमने इंस्टॉल करे, तो फ्रंट से सबसे पहले आपको अगर हम लोग दिखाएं तो हेडलाइट इसके अंदर बॉडी पेंट हो गया, बॉडी पेंट, ग्रिल, डीआरएल, फॉग लाइट विद प्राइस बता दो। चलो प्राइस बता देता हूं, 2800 रुपए। 2800 रुपए ग्रिल, 10,500 रुपए। DRL महिंद्रा जेन्युइन, 2500 रुपए का हमारा नीचे फॉगलाइट, जिसमें आपके एलईडी इंस्टॉल नहीं। इसमें देख सकते हो एलईडी इंस्टॉल है और स्टॉक बल्ब है, स्टॉक बल्ब में। ठीक है, अगर एलईडी इंस्टॉल कराना चाहो, 25,000 रुपए के अलॉय व्हील हमने इसके अंदर लगाया, महिंद्रा जेन्युइन ब्रांड न्यू बॉक्स पैक। यहाँ पे 6,500 रुपए की फुटरेस्ट S11 वाली, इसमें नहीं लगा, लगवाना चाहो लगवा सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ऑटो फोल्डिंग नहीं है। ये देख सकते हो रूफ रेल महिंद्रा जेन्युइन, फिटिंग करके 6,000 रुपए हो गया। ठीक है भाई, तो अब चामुंडा भाई विद प्राइसिंग बताते हैं सारी चीजें, पीछे लेके चलेंगे आपको। पिलर लाइट नहीं लगाया जब ने, महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर विद फिटिंग 6,000 रुपए, ऊपर नीचे रेट होता रहता, कभी 5,500 कभी 6,000, 5,500 कभी 6,000। ठीक है भाई, ये देख सकते हो बम्पर ऊपर सारे पेंट हो, इसके भी मैट में आता है ना पिछला बम्पर, हाँ मैट में आता है। तो ये भी मतलब पूरे जितने आगे से लेके पीछे तक के साइड लाइटिंग वाले पार्ट सब पेंट होते हैं, तो इसका विद पेंट कितना प्राइस रहता है? अलग अलग कॉस्ट आता है, 15,000 भी आ जाता है, 12,000 भी आता है, 20,000 का भी आता है। कॉस्ट मतलब आप किसके वेरी करता है, किस हिसाब का पेंट इसके ऊपर यूज कर रहे हैं? 12,000 10,000 का बीच पेंट, 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और 10,000 तक का पेंट, ओरिजिनल क्वालिटी पेंट चाहिए तो आपको उसके लिए आपको मोटा पैसा।
संघर्ष करना पड़ा। डमी वाइपर, डमी वर्किंग है, वर्किंग है, क्या बात है। चला के दिखाते हैं आपको वाइपर वर्किंग प्राइस 8,500 विद वर्किंग और स्प्रे 8,500 विद वर्किंग वाइपर ऑटो कट के साथ। तो चला के दिखाते हैं, ये देखो भाई वाइपर चल गया, स्प्रे भी कर रहा है हमारा, और जहां से चालू हुआ है वही बंद हुआ है। ये ऑटो कट वर्किंग वाइपर हमारा। S11 की बैजिंग आ गई यहाँ पे, क्लासिक S11 बन गई है गाड़ी हमारी पूरी। ब्रेक लाइट हमने नहीं लगाई, ब्रेक लाइट लगवाना चाहो लगवा सकते हो, 2200 रुपए की ब्रेक लाइट हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको पेंट वगैरह बाहर का सारा काम हम लोग दिखा चुके हैं, अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर में सबसे पहले हम लोग डिग्गी अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई पायनियर एसी जिसके ओवल आ गए, ठीक है भाई। यहाँ पे 70 मैट आ गए हमारे, देख सकते हो। उसके नीचे 90 फ्लोरिंग हो गई, बर्फी पैटर्न वाली हमारी सीट कवर की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट स्टिचिंग के साथ हमने सीट कवर के अंदर लगाए, यानी कि पीछे वाली सीट है तो इसमें कोई कमी छोड़ देंगे, इसमें भी बढ़िया तरीके से काम होगा जैसे अंदर का। तो दिखाते हैं आपको अंदर से, जरूरी चीज होता है इसके अंदर पावर विंडो, पावर विंडो डोर पैनल। गाड़ी आप स्कॉर्पियो ली और पावर विंडो नहीं लगे तो मजा ही नहीं। पावर विंडो बीच में होती है और ये साइड का जो डोर पैनल है ना बहुत ही बुरा सा लुक मारता है। गाड़ी का मजा ही नहीं, स्कॉर्पियो ऐसा लगता है टवेरा चला रहा हूँ, टवेरा चला रहे हो। तो ये देख सकते हो भाई, ये हमने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा दिए और सारी प्रॉपर वायरिंग किट के साथ इंस्टॉल होता है और चारों वर्किंग है। सिर्फ ये नहीं, मैं आपको पीछे का भी दिखाऊं तो देख सकते हो ये भी हमारा वर्किंग है। अच्छा वो आगे से लॉक कर रखा था, ये देखो चारों वर्किंग है हमारे। ये देखो ये लॉक कर दिया ना, अब वर्क नहीं करेगा। ये चाइल्ड लॉक जो होता है, बच्चे शीशे ना खोले। तो ये देख सकते हो ये पूरा वर्किंग के साथ, और ये जो हमारे पूरे डोर पैनल है विद वायरिंग और फिटिंग और विद डोर हिंज के साथ, क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 30,000 होता है, कभी 28 होता है, कभी 35 चला जाता है इसका, ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके प्राइस अपने हिसाब से वेरी होता है। अंदर मैं आपको दिखाऊं गाड़ी, तो ये आप लोग देख सकते हो भाई स्टीयरिंग कंट्रोल हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। तो विद आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगा, देखो स्टीयरिंग कंट्रोल यू के साथ ₹1,000 और स्टीयरिंग कंट्रोल 5,500 रुपए के बटन होगा। स्टीयरिंग कवर आपको 1,000-1,500 रुपए के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से, जिस हिसाब का लेदर आप लोग यूज करते हो। सीट कवर स्टार्टिंग 5,000 रुपए से, स्टार्टिंग 5,000 रुपए। क्वालिटी जो सबसे टॉप क्वालिटी लगता है 12,000-15,000 रुपए की रेंज में, 12,500-15,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है भाई। ये देख सकते हो सेंटर कंसोल हमारा 4,000 रुपए S11 वाला नीचे तक, नीचे तक विदाउट एंड्रॉइड स्टीरियो के 4,000 में स्टीरियो भी मांगते हैं। S11 ये नॉर्मल पेंट किया हुआ नहीं, कि अलग से ऐसे कुछ नॉर्मली पेंट वाला माल है जो महिंद्रा जेन्युइन आता है, S11 वाला ऊपर S11 वाली पेंट है, बिल्कुल वही चीज है। स्टीरियो के अंदर इंस्टॉल करा हमने एंड्रॉइड। इधर बोतल होल्डर भी दिखा दो, पीछे बोतल देखो, बोतल होल्डर भी हमने इधर से स्विच निकाल के इसके अंदर बोतल होल्डर लगा दिया हमने, जो कि हर कोई नहीं करके देगा आपको। 150 वॉट LED सेंटर में विद सनग्लास होल्डर, देख सकते चश्मा रख लो उसमें अपना, ठीक है। ठीक है भाई, सीट कवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, देख सकते हो भाई हमारे प्रो सीरीज वाले। स्क्रीन जिस भाई को चाहिए 5,500 से स्टार्टिंग हो जाता है, 5,500 से 25,000 वो तो बजट अपने ऊपर होता है। कंपोनेंट स्पीकर है, नॉर्मल JBL के स्पीकर चाहिए या किसी भी कंपनी के स्पीकर चाहिए 2,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। दो स्पीकर सिर्फ, यानी कि कंपोनेंट 2,000 रुपए मांग रहे हो? स्पीकर अगर कंपोनेंट लगवाने हैं तो 4,500 रुपए से स्टार्ट है। इसमें पायनियर सोनी वगैरह हेडलाइट और मतलब के अंदर एलईडी डलवाते हो तो 2,500 रुपए से एक सिंगल बल्ब हमारी है, और इसमें तीन सेट डलते हैं, दो बल्ब हमारे 2,500 कितना हो गया हमारा 7,500 रुपए में आपको एलईडी बेसिक वाली मिल जाएगी। और हाई पावर चाहिए अच्छी, मतलब अच्छी नॉर्मल नहीं मतलब अच्छी में और बढ़िया नॉर्मल एलईडी आपको इतने में मिल जाएगी, ठीक है भाई। एक बार रियर सीट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो देख सकते हो भाई रियर सीट हमारी, यानी कि पीछे वाली सीट पे कमी छोड़ देंगे हम, पीछे भी प्रॉपर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिलेगा और बढ़िया तरीके से काम करा जाता है गाड़ी में, कमी पेशी किसी तरीके की नहीं छोड़ी। एम्बिएंट लाइट भी लगवा सकते हैं आप, वेलकम लाइट लगी है, वेलकम लाइट लगी है, काफी काम हो सकता है। इंटीरियर काम आप करवा सकते हैं, मीटर भाई को लगवाना, मीटर 12,500 का मीटर, BS6 वाला मीटर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हॉर्न इसके अंदर स्टॉक है, हॉर्न लगवाना चाहो तो लग जाता है, हर तरीके का काम। अगर जिस भाई को डैम्पिंग करवाना है डैम्पिंग भी करवा सकते हो, और सबसे बड़ी बात होता है काम, अगर आप कंपैरिजन करते हो कहीं भी बाजार में कुछ भी, तो अगर आपको 1,000-2,000 फालतू भी लग रहा है तो ये दुकान के अंदर गाड़ी लगा कर प्रॉपर काम हो रहा है, आप देख सकते हो किसी चीज की कमी देखने को नहीं। वर्कशॉप के अंदर देखो आप कितने पंखे लगे हैं, के अंदर काम होता है, ये नहीं कि बाहर रोड पे लगा करके हम काम करते हैं। कस्टमर वेटिंग के लिए हमारा एसी लाउंज के अंदर आप लोग एसी में आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। 2,000-2,000 अगर आपका फालतू भी लग रहा है तो काम तसल्ली से हो रहा है और काम तरीके से होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होता है। और प्रॉपर महिंद्रा का सामान, कुछ नहीं की कॉपी सामान, सारा भरा पड़ा है भाई, सिर्फ डोर पैनल है यहाँ सारे, उधर भी देख सकते हो भाई सारा सामान भरा पड़ा है महिंद्रा का, सामने भरा पड़ा है, मतलब ओनली महिंद्रा, सिर्फ महिंद्रा, सिर्फ महिंद्रा।
मेन होता है काम वर्क, ये नहीं कि आप एक बार काम करवाओ और बार बार चक्कर मारते रहो। एक बार आओ और पूरी जिंदगी मौज लो जब तक गाड़ी है, बिल्कुल काम ऐसा मिलेगा आपको A1 क्वालिटी का, बिना किसी कमी पेशी के, बिना किसी शिकायत के। बाकी आप लोग हमारे पुराने कस्टमर की रिव्यू देख सकते हो, तो आप लोग जानते हो कितने सालों से स्कॉर्पियो काम करते हुए आ रहे हैं और किस तरीके से करते आ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप आओ। और आना कहाँ पे? रामा रोड, जय ऑटो रामा रोड। आप गूगल मैप पे डालोगे जय ऑटो रामा रोड, जैसे जय ऑटो रामा रोड डालोगे हमारे लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दुकान हमारा करोल बाग में भी है, जिस भाई को अगर यहाँ पे आना हो तो रामा रोड टाइप करके जरूर आ जाओ, ठीक है? जय ऑटो करोल बाग भी हमारा, वहाँ भी आप लोग जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का वीडियो, हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी हम भैया से बात करते हैं, उनको काम कैसा लगा, उनके उनसे काम अच्छा लगा हो तो रिव्यू अच्छा देंगे, अगर काम अच्छा नहीं लगा हो तो रिव्यू डाउन देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइस गाड़ी फाइनल हो चुकी है हमारे भैया। भैया क्या नाम है आपका? लव चौधरी। कहाँ से आए थे भाई? बुलंदशहर से आए थे आप। मतलब आपको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा था? अच्छा, वीडियो देख के आए थे आप। तो मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा सेम वैसा काम ही मिला आपको? पूरी टॉप बनाई है आपने, सारा काम टोटल काम हुआ है, बहुत अच्छा काम किया। 10 में से अगर रेटिंग देना चाहो? 10 में से 11। क्या बात है भाई, मतलब भाई हमारे काफी खुश हुए, अपने तरफ से एक 1% ऊपर दे दिया भाई ने। 195,000 रुपए में सारा काम, इंक्लूडिंग एलॉय, जितना काम आपको देखने को मिल रहा सब कुछ हुआ है। एक पुलिस लाइट यहाँ पे और लगाई जो हम आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये हम अलाउड नहीं करते। बाकी जिसकी चॉइस है वो लगवाना चाहे लगवा सकता है। आहूजा का सायरन भी लगा है, वो भी इसी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। तो 1,90,000 GPS ट्रैकर भी लगा है। तो छोटी छोटी चीजें जो हम वीडियो में नहीं बता पाते, आप लोग सोचोगे कि बजट ऊपर क्यों जा रहा है, जो हमने नहीं दिखाया, एक 75 तक का काम है। ठीक है, तो आप लोग आओ, रेट लो, अपना काम करा सकते हो। भाई खुश है, भाई की तरह खुशी खुशी अपनी गाड़ी आप S11 बनाओ। लाइक सब्सक्राइब करो भाई। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई। तो ब्लॉगर अमन, भाई के बोलने पे सब्सक्राइब कर दो आप लोग। ब्लॉगर अमन वाले चैनल पे करो और @ जय ऑटो भी आप सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल भी है जो @ जय ऑटो, उस पे भी आप देखो भाई लोग कितने घुस में चला रहे हैं। बिल्कुल, सारे भाई लोग आए हुए हैं आपको काम कराने के लिए अपनी गाड़ी। ठीक है भाई, भाई अपना पेटीएम नंबर बता देना भाई को ट्रांसफर। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।